हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई विश यू ऑल आर फाइन टुडे वी विल डू वर्कस इट सिक्सटीन नाउन्स नंबर तो नंबर के बारे में हम करेंगे आपको पता ही है देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश सिंगुलर पलुरल सिंगुलर रिप्रेजेंट्स वन थिंग एंड पलुरल रिप्रेजेंट्स मोर देन वन थिंग एक्टिविटी वन नेम द बॉडी पार्ट्स विच आर वन इन नंबर जो हमें उस बॉडी पार्ट्स का नाम बताना है जो एक है जो सिंगुलर है जो वन इन नंबर है जैसे नोज है नोज हमारे वन है तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हैड हैड भी हमारे वन है माउथ वन है तो ये सिंगुलर है नेक नेक भी वन होती है चेस्ट एबडोमैन एट्सेट्रा तो आपको वो बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने थे जो एक होते हैं तो ये सारे वन ही होते हैं हेड है, माउथ नेक चेस्ट एबडोमैन ओके स्टूडेंट एक्टिविटी टू हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव आपके कितने फिंगर्स हैं टेन हाउ मैनी टोज डू यू हैव पैर की उंगलियाँ टो होती है पैर की उंगलियों को हम टोज बोलते हैं वो भी हमारे टेन होते हैं सिंगुलर नाउंस आर नाउंस दैट नेम वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग सिंगुलर नाउंस क्या होते हैं एक वचन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जो वन थिंग वन पर्सन वन एनिमल और वन थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं पलुरल नाउन्स आर नाउन्स डैट नेम मोर देन वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग पलुरल नाउंस का हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं जो एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं टू मोस्ट नाउंस वी एट एस एट द एंड फॉर मेकिंग दैम पलुरल हम जो है वर्ड के पीछे किसी भी जैसे एप्पल है एप्पल के पीछे एस लगा देंगे एप्पल्स वो उसका पलुरल बन जाएगा ये सबसे ज़्यादा पहला रूल होता है सिंगुलर से पलुरल बनाने का कि सिंगुलर के वर्ड के पीछे एस लगाने से वो पलुरल बन जाता है इंग्लिश में जैसे बुक का बुक्स ओके स्टूडेंट ओन हर बर्थडे रजनी गोट मैनी बर्थडे प्रेजेंट रजनी का बर्थडे था तो बर्थडे पर काफ़ी प्रेजेंट्स मिलते हैं सबको मिलते हैं तो रजनी को भी मिले लेट्स सी वट सी गोट देखते हैं उसे क्या क्या मिले काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल नीचे जो है टेबल दे रखे उसको हमें फिल करना है और ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके बताना है तो यहाँ पर नंबर लिखने है। पे चौकलेट्स हैं नेम ऑफ प्रजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे चॉकलेट्स हैं चॉकलेट्स उसको कितनी मिली देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टूल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी तो चॉकलेट्स कितनी मिली फिफ्टीन चॉकलेट्स ओके मतलब पलूरल है ये सिंगुलर नहीं वन चॉकलेट नहीं मिली ज़्यादा मिली पलुरल चॉकलेट्स मिली फिफ्टीन चॉकलेट्स ओके वॉचिज़ देखिए वॉच कितनी मिली है देखिए वॉच वन टू टू उसको वॉच मिली है ब्रशेज देखिए वन टू थ्री फोर फोर मिली है ब्रशेज मिली हैं देखो ई एस लगा हुआ है अब बस देखिए वन और टू टू उसको मिली है बस बसेस तो ये पलूरल होगा अब ये सारे जो है एक से ज़्यादा हैं तो देखो ये वर्ड सारे पलूरल में है चॉकलेट्स एस लगा दिया वो चिज जो ये रूल होता है कि जिस वर्ड के पीछे सी एच एस या एस एच होता है उसमें ई एस लगाते हैं तो उसका जो है पलूरल बनता है जैसे ट्वाई बस था ट्वाय बसेस टू हैं तो बस ही जाएगा वन होती तो बस आता वन ट बस तो जब हम पलुरल चीज़ों को लिखते हैं तो उसका हम पलुरल में लिखते हैं नाउन को ओके वी शुड एड ई एस टू एंडिंग इन एस एस एच एक्स और सी एच तो ये रूल होता है इंग्लिश में सिंगुलर से पलुरल बनाने का जो वर्ड जो नाउन जो है एस एस एच एक्स या सी एच से एंड होता है तो उसका पलुरल बनता है ई एस एड करने से नाउ क्वेश्चन रजनी वेंट फॉर शॉपिंग रजनी शॉपिंग के लिए गई लेट्स री राइट ही शॉपिंग लिस्ट बाई राइटिंग द पलूरल फॉर्म हमें पलुरल फॉर्म में उसकी शॉपिंग लिस्ट को यहाँ पर लिखना है जैसे टू किलो ऑफ पटैटो तो टू किलोज ऑफ पटैटो किलो का हो गया पलूरल किलोज पटैटो का हो गया पटैटोज ओके अब इसी तरह से देखिए हम टू बंच ऑफ बनाना तो इसका हमें पलुरल फॉर्म में लिखना है इस सेंटेंस uh, को तो टू बंचिज ऑफ बनानाज बंच का हो गया बंचिज क्योंकि सी एच से एंड हो हो रहा था बंचिज बनाना का हो गया बनानाज ओके सेवन पेन सेवन पेन का क्या हो जाएगा सेवन पेन्स पेन का पलोल होता है पेन्स एस लगने से थ्री किलो ऑफ ऑरेंजेस तो थ्री किलोज किलो का किलोज हो गया ऑरेंज का ऑरेंज हो गया नेक्स्ट देखिए थ्री बॉक्स ऑफ मैंगो तो बॉक्स का होता है बॉक्सज मैंगो का मैंगोज थ्री बॉक्सेज ऑफ मैंगोज ओके नेक्स्ट देखिए हमारा फाइव पैकेट ऑफ चिप्स तो फाइव पैकेट का क्या हो जाएगा पैकेट्स ऐसा लग जाएगा ऑफ चिप का चिप्स ओके सिक्स पैकेट इरेजर तो ये क्या हो जाएगा सिक्स पैकेट्स पैकेट का पैकेट इरेजर का इरेजर्स ओके फोर टॉफी तो फोर टॉफीज ये पेलूरल फॉर्म है तो आपको सिंगुलर से फलुरल फॉर्म बनानी आ गई होगी उनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग है नाइस डे